क्या होती है रूमेटोलॉजिक बीमारियां? कई लोगों को हाथ, पैर, कमर या शरीर के अन्य जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है। कुछ लोग दर्द निवारक यानी पेन किलर दवाइयां लेकर उससे कुछ समय के लिए राहत पा लेते हैं, मगर इस तरह का हड्डियों, जोड़ों या मसल्स का दर्द लगातार बना रहे तो यह गंभीर रूमेटोलॉजी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। रूमेटोलॉजी बीमारियों की जानकारी के अभाव में कई लोग लंबे समय तक इस दर्द को सहते रहते हैं और आगे जाकर उन्हें गंभीर रूमेटोलॉजी रोग घेर लेते हैं, जिनके लिए जिंदगी भर दवाइयां लेने की बाध्यता हो जाती है, मगर समय रहते यदि इन बीमारियों की जांच कर इनका निदान कर दिया जाए तो हम इस अवस्था से बच सकते हैं। रूमेटोलॉजी मेडिकल साइंस में एक सब स्पेशलिटी डिवीजन है, जिसमें प्रमुख रूप से अर्थराइटिस, सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म और ऑटोइम्यून बीमारियां सम्मिलित होती हैं। रूमेटिक रोग सिर से पैर तक शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। यह सामान्यतः बुखार या रेशेस के रूप में शुरू हो सकता है। अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, नी अर्थराइटिस, गठिया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, सोराइटिक अर्थराइटिस या SLE डिजीज जैसी कई गंभीर बीमारियां हैं जो रूमेटोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। रूमेटोलॉजिस्ट सामान्यतः इन बीमारियों के लिए पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्टेराइड जैसी दवाइयां जीवन भर खाने की सलाह देते हैं, मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने रूमेटोलॉजी के ऐसे कई रोगियों को बहुत ही कम समय में, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी परहेज और बहुत ही कम लागत में पूरी तरह स्वस्थ किया है। और आज वे लोग बिना किसी दवाइयों की निर्भरता के अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। जानिए इस वीडियो में कौन कौन सी होती है रूमेटोलॉजी बीमारियां और कैसे इसका स्थायी इलाज किया जाता है मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से। रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी है जिसकी उपस्थिति से रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे शरीर के जोड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शरीर के जोड़ों की परतें खराब होने लगती हैं। जोड़ों में सूजन, घुटने में दर्द, शरीर में तेज दर्द, हड्डियों का खींचना और जोड़ों में विकृति पैदा होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। वैसे तो मुख्य रूप से रूमेटाइड अर्थराइटिस शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है, मगर कुछ मामलों में यह एक ही समय में शरीर के एक से अधिक जोड़ों को अपनी चपेट में ले सकता है। यह बीमारी खासकर कलाई, हाथ, घुटने और कूल्हे के जोड़ों में देखने को मिलती है। हालांकि यह शरीर के किसी भी हिस्से के जोड़ में हो सकती है। इतना ही नहीं, रूमेटाइड अर्थराइटिस शरीर के दूसरे टिश्यू को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण दिल, फेफड़ों, आंखों, खून या नसों में समस्या पैदा हो सकती है। शोध के मुताबिक पुरुषों की तुलना में यह बीमारी महिलाओं में अधिक पाई जाती है। यह बीमारी बूढ़े लोगों में बहुत आम है, मगर आजकल की लाइफस्टाइल के चलते यह युवाओं में भी देखने को मिलती है। नमस्ते, मैं रितु डाकोलिया जैन। मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया था। जब मुझे हाथों में अकड़न लगने लगी सुबह सुबह, तो मैंने इनको बोला कि किसी को दिखाना पड़ेगा। मैं उठती थी तो मेरे से मतलब दो कदम भी मैं चल नहीं पाती थी। यहाँ तक कि ऐसी हालत हो गई थी कि मैं गेट भी खोल नहीं पाती थी। इनको उठाती थी कि मुझे गेट खोलो, रूम का गेट खुलवाती इनसे। फिर हमने जूजर साहब को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जाँच लिखी, हमने जाँच करवाई तो उसमें मेरा आर फैक्टर 200 आया। उन्होंने बोला कि आपको आर्थराइटिस हो गया और लंबा इलाज चलेगा। मैं घबरा गई, मैंने उनका इलाज नहीं लिया। मैंने कहा लंबा इलाज मतलब एलोपैथिक में तो बहुत साइड इफेक्ट भी है, तो मैंने इनको बोला मैं तो नहीं लूँगी। मैंने आज तक एक भी गोली नहीं ली, तो मैं ये वाली गोलियाँ बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो फिर इन्हें बोला फिर किसको दिखाएं अपन, तो मैंने ऐसे ही रामदेव बाबा की मैं दवाई ले आई थी मन से ही जाके, ये देखती हूँ उनका, तो मैंने वो ले, पर उससे भी मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन ये बैठे हुए थे तो इन्हें बोला कि अरे यार अपने ग्रुप में ही है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर, उन्होंने मैसेज बहुत सारे डाले हैं और इस बीमारी का भी इलाज उसमें लिखा है उन्होंने।
तो मैंने कहा आप अभी फिलहाल अभी फोन लगाओ और बात करो। इन्होंने सर से बात करी, सर ने बोला हाँ 2 बजे आ जाओ आप क्लिनिक पे। हमने बात करी, उन्होंने बोले मैडम घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको 3 महीने में मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। बोले मेरे को उस समय इतनी खुशी हुई, मैंने कहा भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया कैसे डॉक्टर के पास, मतलब एकदम बैठे बैठे हमको याद आया कि नहीं सर को दिखाना चाहिए। पर मात्र उन्होंने दवाई दी तो मेरे को 20 दिन में ही मात्र मतलब बहुत सारा मतलब पूरा आज एक सिर्फ 2 उंगलियों में मेरे को है। तो सर ने बोला कि आप फिर वापस मैंने जाँच करवाई तो मेरा आधे फैक्टर 14-95 ही आया। मैं देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गई, मैंने कहा क्या बात है 200 से मात्र 14-95 ही रह गया मेरा। तो सर के पास, सर ने बोला कि आपको बिल्कुल इस रिपोर्ट के हिसाब से तो आपको अब कुछ भी नहीं है। बोले कि हल्का सा सिम्टेंस आए थे, 20 दिन की दवाई उन्होंने और दी, बोले 20 दिन में ये भी जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं तो धन्यवाद दूंगी मार्डन होम्योपैथिक को, डॉक्टर सर को, कि मेरे लिए तो वो भगवान बन के आए, नहीं तो मैं तो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। सर को दिखाने के पहले मैं बिल्कुल खटाई नहीं खाती थी, नींबू यहाँ तक कि टमाटर की खटाई भी नहीं ले रही थी मैं। पर सर ने कहा उस दिन से मैं सब खाने लग गई। सर ने बोला कोई परहेज नहीं, और दवाई लेना भी इतना आसान, चलते फिरते दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरे को सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई सी भी बीमारी हो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। यही कहना चाहती हूँ सर कि सर भगवान बन के आए हैं, और जिसको भी कोई सी भी बीमारी हो तो सर के पास जाना चाहिए, उसका सबका इलाज सर के पास है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं, डॉक्टर अर्पित सर के पास जाए और मादन होम्योपैथी अपनाए, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हलीमा है। 2 साल से मुझे गठिया की प्रॉब्लम है, मैं काफी परेशान हुई। 1 साल मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपको प्रॉब्लम है गठिया की, काफी जांचें हुई, प्रॉब्लम थी, डॉक्टर का काफी इलाज करवाया। फिर मुझे अर्पित चोपड़ा सर के बारे में पता चला यूट्यूब से, मैंने उनसे जानकारी ली, उनका ट्रीटमेंट लिया, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। मुझे 8-10 दिन बाद काफ़ी फ़ायदा लगने लगा, जो काम मैं पहले नहीं कर पाती थी अब आसानी से कर लेती हूँ, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हर चीज़ सॉल्व हो गई है, किस चीज़ की दिक्कत नहीं। डॉक्टर का इलाज 2-3 महीने में आज मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो चुकी है 1.5-2 महीने में। अब मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, पहले बिल्कुल हाथ पैरों में प्रॉब्लम, रात को सो नहीं पाती थी, ठंडी ज़मीन पर पैर नहीं रख पाती थी, पानी में हाथ डालती तो प्रॉब्लम होती थी, अब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ आसानी से कर लेती हूँ, पानी का काम हो कुछ भी चीज़ है, होम्योपैथिक के इलाज से, डॉक्टर के इलाज से काफ़ी हर चीज़ मतलब नॉर्मली कर सकती हूँ, पहले जो नहीं कर पाती। एलोपैथिक से तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना और उसके अलावा दूसरी चीज़ों की भी, लेकिन होम्योपैथिक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी दूर हो गई, किफ़ायती है बिल्कुल। सर के बारे में यही बोलूँगी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आसानी से मुझे भी प्रॉब्लम से निकाल दिया उन्होंने, और बस यही बोलूँगी कि थैंक यू सर मुझे इस बीमारी से निकालने के लिए। नमस्कार, मैं कमल प्रभा सिंह बोल रही हूँ, और मुझे काफ़ी सालों से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, और मैंने सारी मतलब सारी जगह ट्राई कर लिया है, एलोपैथी और आयुर्वेदिक सब जगह से ट्राई किया, और मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने मेरा स्कूल भी मुझे छोड़ना पड़ा, तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था स्कूल जाना। फिर मैंने एक दिन दैनिक भास्कर पढ़ते हुए सर के बारे में देखा, सब डॉक्टर्स के बारे में आया था, तो ये सर के बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा शायद हो सकता है और घर के पास भी है, तो मैं जाकर उनसे एक बार मिल लूँ। और फिर मैंने गूगल में सर्च करा और सब देखा, फिर उनके पास मैं मेरे सिस्टर्स को लेके गई, तो सर ने बोला कि आप सब जगह ढूंढ के आए तो आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ ट्राई कर लूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरा मन कह रहा था इसलिए मैं आई आपके यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा कि ठीक तो हो जाऊंगी मैं, तो उनकी मॉडर्न होम्योपैथिक जो है उससे मुझे बहुत क्या हद से ज्यादा मुझे इसमें फायदा हुआ है, पेन वगैरह सब कम हो गए हैं, और चल भी पा रही हूँ, नहीं तो मुझे सुबह उठते ही चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और हाथ भी मतलब मेरी उंगलियां भी टेढ़ी हो गई थी, और अभी काफी ठीक हो गई है, और मेरा आर ए फैक्टर जो होता है आर्थराइटिस का वो भी बहुत डाउन हो गया। सर को मैं अपने तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस का एक रूप है जो रीढ़ को प्रभावित करता है। इसके लक्षण होते हैं पीठ के निचले हिस्से से गर्दन तक अकड़न और दर्द, वर्टीब्रे यानी रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़ जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक कठोर हड्डी बन जाती है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द, कठोरता, बोनी फ्यूजन और टेंडन या लिगामेंट में दर्द होने जैसे लक्षण हो सकते हैं।
एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके बावजूद कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका कारण एक मजबूत हेरिडिटरी लिंक है। HLA-B27 जीन को इस स्थिति के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार माना जाता है। हेलो, मैं शारदा बंसल बेटमा रहती हूँ और मेरे को सबसे पहले पाँव में दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो मैंने बापना साहब को बताया तो उन्होंने मुझे दवा दी, तो इससे दिन भर मतलब नशे जैसी लगता था कि सोए रहे हो ये करो, तो मेरे को जब दवा जमी नहीं ना मेरा पाँव बंद हुए। फिर मैंने आशीष जैन को बताया तो घुटनों में गैपिंग बताई, वो दवा भी ली, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर और भी एक दो डॉक्टरों को बताया, तब भी मेरे को आराम नहीं हुआ कि पैर में दिक्कत है, पैर में है। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने नेट पे सर्च करा कि आरोग्य थेरेपी होती क्या है। फिर हम यहाँ आए, सर को बताया, फिर सर ने बताया, समझाया और फिर जाँचें कराई, तो उसमें आर इफेक्टर वगैरह आया मेरा। फिर सर ने दवा दी, उन्होंने मेरी जाँच कराई, उसमें HLA-B27 पॉजिटिव आया मेरा, उसकी दवा वगैरह दी, फिर वो पूरा नेगेटिव हो गया मेरा। उसके बाद से दवा मेरी कंटिन्यू सर की मैंने 11 महीने ली, उससे मुझे बहुत कुछ आराम हुआ। वो दवा से सारी रिपोर्टें मेरी नॉर्मल आ गई, बाद में मेरी कोई भी रिपोर्ट में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। घुटनों में अब जैसे मेरी दवा छूट गई थी तो मुझे दिक्कत आ रही है अभी, नहीं तो कैसा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी इतनी ज़्यादा। मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि यदि कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो ये आरोग्य वाला ही कराओ, होम्योपैथिक वाला कराओ, बाकी स्टेरॉइड नहीं खाना चाहिए। अपने शरीर की जो किडनी है, लीवर है, इनका बचाव करना अपने ऊपर ही रहता है कि अपन उसका बचाव कर सके, जितना कर सके उतना अच्छा है। स्टेरॉइड सर दवा तो देगी, दवा गोलियां अपने ऊपर, वापस से प्रॉब्लम तो वही होना है ना, जड़ से तो वो चीज़ यूँ भी नहीं जाना है, और इस चीज़ों से कम अपने जड़ से भी जाएगी और नुकसान भी नहीं करेगी शरीर को। मेरी बीमारी ऐसी थी कि हर डॉक्टर बोलता था तुमको खाना है, ये जा ही नहीं सकती है, कभी जीवन में सही नहीं होगी, पर वो आज मेरी बीमारी बहुत अच्छे से मतलब कवर हो गई। तो सर का बोलना, आज ट्रीटमेंट मेरा बहुत अच्छे से करते हैं वो, और आगे भी हर कोई को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, तो उन्हीं से सलाह लेना चाहिए सर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंघी है। 2 साल पहले मेरा HLA-B27 पॉजिटिव आया था, उसका हमने 1 साल तक 2-3 जगह काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक भी लिया था, उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। बट मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ही है सर, तो वहाँ हमने फिर दिखाया सर को, फिर उनकी दवाइयों से 10-11 महीने में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है सर की दवाई से। सिम्टम्स मुझे बैक पेन से पूरा लेग तक पूरा पेन होता था, तो हम तो सोच रहे थे, एक दो बार मैं बच्चे के साथ गिर गई थी खेलने में, तो हम सोच रहे थे कि शायद उस कारण से पेन हो रहा होगा। बट फिर हमने संजय गुजराती सर को दिखाया तो उन्होंने टेस्ट लिखा, उसमें HLA-B27 पॉजिटिव आया, तब पता चला कि ये प्रॉब्लम। ये मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो हम ले रहे हैं सर का, इससे 11 महीने में काफ़ी कुछ फ़र्क है और इससे हम बहुत सेटिस्फाई, नो परहेज, नो साइड इफेक्ट्स, यहाँ तक कि मुझे दूसरी दवाइयाँ में सभी ने खटाई वगैरह बहुत सारे परहेज बताए थे, सर का ऐसा कुछ नहीं था। एलोपैथिक थोड़ा कॉस्टली है और सर की जो मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो थोड़ा कम है सर से, रिजनेबल है, अपन अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, हम तो बहुत डर गए थे क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है अभी, कि उसकी केयर कैसे हो पाएगी अगर प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हुई तो बहुत बहुत थैंक यू सर का। जो भी कोई प्रॉब्लम्स में है, ऐसी कोई भी लाइलाज बीमारी के लिए, तो एक बार सर से कॉन्टेक्ट जरूर करें। नमस्कार। फाइब्रोमाइल्जिया एक तरह का ऑटो इम्यून विकार है जो मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द उत्पन्न करता है। इसमें आपको थकान महसूस होती है, इसके अलावा मस्तिष्क और नींद से संबंधित कई मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का मानना है कि फाइब्रोमाइल्जिया में मस्तिष्क दर्द के संकेतों के प्रभावित होने से इस रोग में दर्द तथा सनसनी सी महसूस होती है। कई बार इसके लक्षण किसी शारीरिक चोट, सर्जरी, संक्रमण या महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तनाव के बाद शुरू होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में फाइब्रोमाइल्जिया विकसित होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। कई लोगों में तनाव, सिरदर्द, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट विकार,
हाथों से जुड़े रोग, चिंता और अवसाद भी देखा जाता है। हालांकि मेडिकल साइंस में फाइब्रोमाइल्जिया के लिए कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है और इसे जीवन भर विभिन्न प्रकार की दवाइयों से नियंत्रित करने में सहायता ली जाती है, मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से इस बीमारी के रोगियों को पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है। इसके अलावा सोराइटिक अर्थराइटिस या एसएलई डिजीज जैसी बीमारियां भी कुछ विशेष कारणों से रूमेटोलॉजिक डिजीज हो सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनल भार्गव है। मैं 33 वैराटी कॉलोनी नंबर 1 में रहती हूँ। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, नसों में मुझे प्रॉब्लम थी तो हाथ पैर रह जाते थे मेरे, मतलब कुछ काम नहीं करते थे। तो मुझे सर ने बताया मुझे फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी है जो लाइलाज और काफ़ी रेयर है, मतलब बहुत कम लोगों को होती है। इसमें ज़्यादातर इंसान पलंग पे पड़ जाता है और उसको काफ़ी पेन होता है और वो पेन इतना होता है कि इससे आत्महत्या भी कर लेते हैं लोगों, दर्द के कारण असहनीय दर्द होता है उसमें। लेकिन मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के कारण काफ़ी रिलैक्स है, अब मुझे ये वाली बीमारी नहीं है। तो वो जो बीमारी है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर ने मेरी वो बीमारी सही कर दी है। तो जो काफ़ी रेयर हो, मतलब नेगेटिव आ ही नहीं सकती है वो, लेकिन सर के इलाज से वो नेगेटिव हो गई है। एक महीने के अंदर ही मतलब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी और मुझे काफ़ी आराम है। वो ये सिम्टम आए थे, मेरा ये हाथ पैर रह रहे थे, मतलब ये वाला पैर रह गया था और एक हाथ रह गया था, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। ऐसा लगा पैरालिसिस हुआ है, लेकिन वो कुछ एक बीमारी थी जो नसों के सुन्नपन के कारण ये रह जाता है, तो वो बता रहे थे। तो उसमें ट्रीटमेंट हुआ था मेरा, फिर बार बार मतलब हर मंथ हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, दो तीन बार हो गए हॉस्पिटलाइज। कभी भी एकदम से ऐसा पैर रह जाता था तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। तो फिर यहाँ पर आई सर के यहाँ, तब काफ़ी सही है, मुझे बार बार हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके कारण मेरी सारी बीमारियाँ सही हो रही हैं। यदि मैं सर के पास नहीं आती तो शायद आज मैं पलंग पे पड़ी हुई होती कहीं पे। और जो मेरी बीमारी है वो बिल्कुल लाइलाज है सर की कृपा से, मतलब वो बीमारी मेरी काफ़ी सही हो गई है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अर्पित चोपड़ा सर को, उनकी दवाइयों से मुझे बहुत आराम है। नमस्ते, मेरा नाम महक शिपणकर है। मैं फाइब्रोमाइल्जिया डिजीज से सफ़र कर रही थी और लास्ट ईयर से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जिसमें मुझे फुल बॉडी एक रहता था, हाई फीवर रहता था, डेली 103-104 फीवर रहता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, चल फिर नहीं पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी मैं जिसमें। और काफ़ी मैंने एलियोपैथी में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया बट कुछ डायग्नोज नहीं हो पाया, बहुत सारे टेस्ट भी हुए जिस और उसके बाद मुझे मेरी प्रॉब्लम को दबाने के लिए मुझे काफ़ी हाई पावर में स्टेरॉइड्स दिए गए जिससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और ये प्रॉब्लम मेरी स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी चलती रही और फिर हार्डली मुझे भी 1 मंथ पहले डॉक्टर अर्पित सर के बारे में पता पड़ा और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी से हार्डली इन जस्ट 1 मंथ मैंने रिकवर किया। एस्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मेरे काफ़ी सारे टेस्ट भी करवाते थे एलियोपैथी में ताकि मुझे कुछ और प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से सिटी स्कैन, ईको, काफ़ी सारे टेस्ट हुए। मेरा ANA पॉजिटिव आया था और देन अर्पित सर के मॉडर्न होम्योपैथी उन मेडिसिन से मुझे 1 मंथ में मेरा ANA नेगेटिव हो गया। अब फिजिकली अब मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, बॉडी पेन, फीवर अब कुछ नहीं है, पहले ये सब होता था। हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा अकड़ते थे, मतलब मैं हिल नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब सब ठीक है। एलियोपैथी में तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था, रिकवर नहीं कर पाई थी और होम्योपैथी में सर की मॉडर्न होम्योपैथी से मैं 1 मंथ में रिकवर हो गई। बहुत थैंकफुल हूँ मैं सर को और लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि पहले तो डरिए मत, बाकी ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, इसका ट्रीटमेंट भी होता है और सर के मॉडर्न होम्योपैथी से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं आप। डॉक्टर अर्पित सर से मिलके बहुत मतलब कॉन्फिडेंस मिला, सर का नेचर बहुत अच्छा है, वो बहुत कॉन्फिडेंस दिलाते हैं जिससे हमें हम बहुत अच्छे से फेस कर पाते हैं हमारी प्रॉब्लम से, क्योंकि मेडिसिन से हमें काफ़ी अच्छा फ़र्क मिलेगा और हम जल्दी रिकवर करेंगे। थैंक यू सर। मैं ज्योति राठौर बड़वानी जिले से बोल रही हूँ। मुझे गठिया की परेशानी थी साल भर से और मैंने एलोपैथिक इलाज लिया था,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कुछ जहर खा के मर जाऊं। लेकिन फिर मुझे पता चला आरपी सर का, आरपी चोपड़ा सर का, तो उससे हमने ट्रीटमेंट लिया। मतलब एक महीने में मुझे बहुत रिलीफ हो गया, बहुत अच्छा आराम लगा। उसके बाद में फिर दूसरी बार और मेरी जांच हुई, उसमें जो मेरे खतरे के निशान पे थी वो गठिया भाई वो बिल्कुल नीचे आ गई। फिर डबल इलाज लिया, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। सर डॉक्टर आरपी चोपड़ा बहुत अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा इलाज करा। और मैं सबसे बोलती हूँ कि वो सबका ऐसा इलाज करे और सबको ऐसा आराम। इतना पेन होता था मेरे हाथों में कि कुछ समझ नहीं पड़े, रात भर भी सो सकती थी नहीं, और हाथों में भी टावी लिया चादर लपेट के सोना पड़ता था मेरे को, फिर भी नहीं सो सकती थी रात। उसने काम भी करने की इच्छा नहीं होती, काम मजबूरी में करती थी, घर करने वाला कोई नहीं था। थोड़ा बहुत करके दिन में सोती थी थोड़ा बहुत, और रात में तो सो नहीं सकती थी, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अभी मुझे 3 महीने हुए और बहुत आराम लगा। एलोपैथिक तो कुछ आराम नहीं लगा, वो फिर मैंने बंद कर दिया। जब से डॉक्टर अर्पित का इलाज चल रहा, जब से मैंने एलोपैथी की गोली एक भी नहीं ली। बहुत अच्छा लग रहा है, 1 महीने में ही लग गया था। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है, बात करने में भी समझाने में, मतलब कोई चिड़ना वगैरह कुछ नहीं, सब शांति से बताते हैं। मतलब आप टेंशन मत लेना, कोई परहेज भी नहीं, सब खाओ। एलोपैथी में बोलते थे खट्टी चीज़ें मत खाओ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि सब खाओ आप, छाछ वगैरह नींबू वींबू सब चलने दो, कुछ तकलीफ नहीं होगी। और मैंने सब चालू रखा, कुछ तकलीफ नहीं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई आके डॉक्टर साहब से मिले और जो तकलीफ हो उनको बताए, और बिल्कुल उनको आराम लगेगा। पैसों से भी बहुत, मतलब कम पैसों में अच्छा इलाज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार। नी आर्थराइटिस, जब घुटनों में लंबे समय तक दर्द बना रहे, घुटनों की मूवमेंट यानी घुटने हिलाने में दिक्कत हो और पैरों में तिरछापन महसूस होने लगे, तो ऐसी अवस्था को ही घुटने में गठिया होना यानी नी आर्थराइटिस कहा जाता है। घुटनों का गठिया रोग ज्यादातर वयस्कों को होता है। वयस्कों में बढ़ती उम्र की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से यह रोग उनमें अधिक पाया जाता है। और जिनका वजन आवश्यकता से अधिक होता है उनमें भी यह रोग होने की संभावना होती है। घुटनों के गठिया का यदि समय पर इलाज न किया जाए तो घुटने के जोड़ों की कार्टिलेज फट सकती है या खत्म हो सकती है। इसका एक और दुष्परिणाम यह भी हो सकता है कि पैर तिरछे होने के साथ साथ पैर पूरी तरह अकड़ सकते हैं। जैसे जैसे गठिया की समस्या बढ़ती है, घुटने धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। गठिया की समस्या कार्टिलेज और टेंडन को स्थायी नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण सूजन, लालिमा और दर्द अक्सर बना रहता है। जैसे जैसे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, घुटने बाहर की ओर मुड़े हुए विकृत स्थिति में भी नजर आने लग जाते हैं। यह गठिया की गंभीर स्थिति में से एक है, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे इस विकृति का पैरों में भी फैलने का जोखिम रहता है। नमस्ते, मेरा नाम सारा बुरहानी, उम्र 34 है। मैं सैफी नगर 364 खातीवाला टैंक से हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, घुटनों का मांस फट चुका था और मुझे बहुत तकलीफ थी। मेरा 5 साल से किसी भी डॉक्टर ने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया था, क्योंकि मैंने सारे डॉक्टरों को बताया तो भी मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाया। लेकिन जब मुझे डॉक्टर अर्पित सर का पता चला और मैं यहाँ आई और इनकी मेडिसिन ली, इससे मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। उसके बाद मेरे जो उठने और बैठने की जो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, घुटनों में काफ़ी दर्द था, इंजोर मास पड़ चुका था, वो सब कुछ सही हो गया। और अभी तो मेरी इस मेडिसिन से ना सिर्फ मुझे ही फर्क पड़ा है, बल्कि मेरी सासू माँ को भी मैंने अपनी मेडिसिन दी। उनके भी घुटनों में बहुत दर्द था, उठने और बैठने में बहुत तकलीफ थी, वो भी चलने लगी, नहीं तो वो एक कदम भी नहीं चल पाती थी। धन्यवाद, थैंक यू। मैं 3 साल से अपने पेट दर्द से बहुत ज्यादा परेशान था। उसमें घुटने की गैप में पानी भरा हुआ था और मसल्स भी टूटे हुए थे, और मैं 3 साल से एलोपैथिक इलाज कर रही थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर अर्पित चोपड़ा जी का नाम मेरे सामने आया, मैंने यहाँ दिखाया, 3 महीने में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हीरालाल चौधरी है, खातीपुरा सुंकलिया में रहता हूँ
और मेरे को घोड़े की बीमारी और कुछ भी नहीं बीमारी, घोड़े की बीमारी और कुछ बीमारी नहीं मेरे को, खाली चलने में तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं ज़्यादा दूर, बाकी खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर। पहले मैं बहुत खड़ा रहता था, 8-8 घंटे 6-6 घंटे तक खड़ा रहता था, तो अब खड़े रहने की अब क्या 74 साल की उम्र है सर, ये अभी ज़्यादा सर ये अपने को 5-6 साल से होने लग गई, इसके पहले थी तो कम थी, आराम कोई तकलीफ नहीं थी सर। मैं दवा गोली जो बताता उससे सब लाता था, देवास से लाया था, सब दूर से लाया मैं, पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाता जब तक फर्क पड़ता, मेरे को यहाँ से फर्क पड़ा है। ऑपरेशन करने का था तो मैंने मना कर दिया, और हिंद दवाखाने में जाना था मेरे को, वहाँ जो फोटो वोटो खिंचवाए मैंने घोड़े के, तो उनने किया डॉक्टर साहब ने कही कि ये तुम्हारी घोड़े की प्रॉब्लम है, गेप आ गई, आप ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा सर विचार करेंगे, तो फिर हमने बाद में सोचा, लोगों ने दूसरों ने बताया कि ऑपरेशन मत करा परेशान हो जाएगा, तो फिर हमारे एक भैया जी ने, हमारे एक जमई जी है, वो लेके आए मेरे को यहाँ पे मारना पे, यहाँ से फिर मैंने इलाज करवाया, तो मैं अभी तक चल रहा हूँ, कम से कम मेरे को 2-2.5 महीने हो गए, 2.5-3 महीने जब से चल रही है मेरे को सर, 15 दिन में फर्क पड़ गया, 15 दिन में फर्क पड़ा, अब घोड़े दुखते नहीं है, कहीं भी तकलीफ नहीं होती, अब उम्र भी 74 साल की सर, दर्द नहीं रहता था, ये खाली दवा गोली तो मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ सर, मेरे को कम से कम 3-4 साल हो गए दवा गोली खाते खाते, जो बता दे उसके समझ जाता हूँ, उज्जैन से भी ले आया हूँ, देवास से भी करी थे, तो वो लोगों ने बताया कि इससे बीमारी खराब हो जाएगी आपको, तो मैंने कहा बंद कर दो भाई, फिर मेरे जवई साहब ने फिर यहाँ लेके आए, तो फिर यहाँ काम अच्छा आराम हुआ। नमस्कार, मेरा नाम मीना श्रीवास्तव है, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। अभी 5-6 सालों से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी घुटनों में, तो मैं एलोपैथिक इलाज ले रही थी, 4-5 साल जो एलोपैथिक दवाइयाँ मैं लेती रही, तो जिस दिन भूल जाऊँ नहीं लूँ उस दिन वापस वही दर्द, पैरों में भारीपन, मतलब ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिला कंटिन्यू कि मुझे मतलब आराम मिल जाए। दवा खाते रहो जब तक इलाज सही रहता था, पैर सही रहते थे, और जहाँ दवा बंद की वहाँ फिर दर्द होने लगता था। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कोई ऐसा मतलब मन को शांति नहीं मिली कि मैं आराम से हूँ या अच्छी हूँ। मेरा बेटा आशीष, उसको स्टोन हुए थे तो किसी ने बताया, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, 9 mm का उसको स्टोन हो गया था, कई बार हो चुके थे एलोपैथिक दवा, लेकिन इस बार ऑपरेशन की ज़रूरत, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को बताइए एक बार, तो मैंने बेटे को बोला कि आप एक बार ऑपरेशन पूरा कर लिया था, जाने की तैयारी थी, तो मैंने कहा एक बार और अपन लास्ट चांस लेके देखते हैं, तो बोले ठीक है। इसको दर्द बहुत ज़्यादा था, परेशान हो रहा था, फिर लेके इसको गए, उन्होंने दवा दी, तो इसको उसी दिन आराम मिल गया, दर्द से बिल्कुल ठीक लगा इसको, तो फिर वही दवा से ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों तक इलाज इसका चलता रहा, इसके स्टोन भी निकल गए सारे बगैर ऑपरेशन के। फिर मैंने कहा मेरे पैर भी दिखा के देखती हूँ, जब डॉक्टर साहब वो निकाल सकते हैं तो इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो मैं उनके सामने गई तो उन्होंने जैसे ही देखा वैसे ही बोले, अरे आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आपके घुटने इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको मैं पहाड़ों पे दौड़ा दूंगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने कहा मैं अभी ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ, मैं कैसे पहाड़ों पे जा सकती हूँ, घर में ही नहीं चल पा रही हूँ, स्कूल ही बड़े मुश्किल से जाती हूँ। नहीं, बोले आंटी ये मेरा वादा है कि मैं एक दिन आपको पहाड़ों पे पहुँचा दूंगा। ठीक है, 1 साल तक मैंने इलाज किया, मेरे को बहुत आराम पड़ा, और 1 साल बाद ही मेरा चांस आ गया, मैं बद्रीनारायण पहाड़ों पे इतने आराम से दर्शन किए, वहाँ भी मैंने विनती करी कि डॉक्टर साहब की बहुत बहुत धन्यवाद कि डॉक्टर साहब ने जो बोला था वो मुझे हुआ। फिर उसके बाद मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आराम से जमीन पे बैठ जाती हूँ, सब काम कर लेती हूँ, अब मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होती। मेरे साथ वालों को भी यही तकलीफ थी घुटने की, मैंने कम से कम बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया, मानते नहीं होम्योपैथी के इलाज के बारे में, विश्वास नहीं करते। मैंने बोला आप मेरे विश्वास पे जाके इलाज कराइए, तो वो लोग गए और उनको बहुत आराम मिला। तो मैं चाहती हूँ कि जिसको भी घुटने में प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एक बार डॉक्टर साहब को दिखाए
और ये मेरा वादा है कि बिल्कुल कोई से भी इलाज वो करते हैं बिल्कुल फायदा मिलता है, ये मेरी गारंटी है। मैं भी ये गारंटी दे देती हूँ लोगों को कि मुझे जब फायदा हुआ तो सभी को फायदा होगा। तो मैं भगवान से विनती करती हूँ कि डॉक्टर साहब का देश में क्या विदेशों में भी नाम हो, और मैं बिल्कुल तहे दिल से डॉक्टर साहब को अर्पित चोपड़ा जैन को धन्यवाद देती हूँ। मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ, मेरी उम्र 52 साल है। मैंने बहुत जगह का इलाज करवाया, साल भर से बहुत परेशान थी, सब जगह का इलाज करवाया, फिर मॉडर्न होम्योपैथिक का पता चला, यहाँ पर आई, यहाँ एक महीने में मुझे बहुत फ़ायदा मिला और माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई, चलने फिरने लग गई, मतलब चल ही नहीं पाती थी, अब बहुत अच्छी चलने लग गई हूँ। अर्पित सर का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इनके हाथ में ऐसी शिफा दे और सब टीम वालों को भी अच्छा रखे, सब अच्छे रहें, सबको अच्छा करते रहेंगे। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित एक समस्या है। इस रोग में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है तथा उसमें सूजन आ जाती है। अर्थराइटिस शरीर के किसी एक या एक से अधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। वैसे तो अर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये दो प्रकार का अर्थराइटिस बेहद सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। जोड़ों में उपस्थित ऊतक जोड़ों की सही फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जोड़ों में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो ऐसे में जोड़ों में जलन होती है तथा ऊतकों को नुकसान होता है, फलस्वरूप अर्थराइटिस की समस्या जन्म लेती है। हमारे शरीर की हड्डियों में उपस्थित जोड़ काफी महत्वपूर्ण होते हैं। दरअसल शरीर में जोड़ वह स्थान है जहां दो हड्डियां आपस में मिलती है। जोड़ों के कारण ही हम अपने किसी भी अंग को मोड़ने में सक्षम होते हैं, जैसे घुटने और कोहनी। इन जोड़ों के कारण ही हम अपनी कोहनी और घुटनों को मोड़ पाते हैं। अर्थराइटिस की बीमारी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने को ज्यादा मिलती है, परंतु आजकल ये बीमारी युवा उम्र के व्यक्तियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। नमस्कार, मैं सागर पेरुलिया। मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बारे में पेपर में पढ़ा था, तो हम वहाँ पर आए 5 साल पहले। मेरा बहुत इलाज चला, मेरे को गठिया था, फिर हम अर्पित चोपड़ा के पास आए, फिर उन्होंने हमारा इलाज शुरू करा, फिर उनका इलाज लेते लेते 2-3 महीने में हमको फर्क पड़ गया और हम अच्छे स्वस्थ हैं। अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टरों से मेडिसिन लिया था, आराम थोड़ा पड़ता था, खाओ आराम हो जाता था, फिर वापस से दर्द चालू हो जाता था। मतलब मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था, जोड़ों में दर्द रहता था, थोड़ी थोड़ी सूजन आ जाती हाथ पैरों में, रात भर सो नहीं पाती थी। फिर हमने पेपर में पढ़ा डॉक्टर साहब का, तो हमने सोचा कि ये भी इलाज करके देखो। इनके इलाज से हमें फायदा हुआ, ठीक हो गया। हमने ली 6 महीने तक, पूरा आराम हो गया। बाद में आखिरी में रिपोर्ट करवाई थी डॉक्टर साहब ने, तो वो स्वस्थ अच्छी थी, नॉर्मल बंद कर दी हमारी दवा, फिर बंद कर दी डॉक्टर साहब ने, कोई परहेज नहीं। मेडिसिन भी ज्यादा महंगी नहीं दी थी डॉक्टर, धन्यवाद कहेंगे डॉक्टर साहब को कि बहुत अच्छा इलाज किया और हम अच्छे हो गए। लेना चाहिए डॉक्टर साहब की दवाई, अच्छी दवा है, बहुत बढ़िया दवाई है। और मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से भी मुझको आराम ना मिला। मुझे ऑनलाइन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी के बारे में पता चला, तो मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी के यहाँ लाया, उनके यहाँ पर मैंने 3 महीने में मुझको बहुत काफ़ी आराम, मम्मी जी को आराम मिला, और मैं यहाँ लाने के बाद ठीक है थोड़ा बहुत। 8 साल से परेशान थे, कहीं मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ मेरे को फ़ायदा हुआ, बहुत बहुत फर्क हुआ मेरे को, बहुत अच्छा हुआ, ये मुझे बताया यहाँ का पता। मेरा नाम संगीता कदम है, मैं चोरल से खंडवा रोड पे रहती हूँ, वहाँ से आई हूँ। मैंने 3 साल पहले मतलब बहुत इलाज करा, डॉक्टरों के पास गई, असीम नेगी को भी दिखाया और एलोपैथिक दवाएं खाई, और उसके बाद में मैंने, मेरी एक सहेली थी ज्योति करके, उन्होंने ये जैन सर अर्पित सर का नंबर दिया मुझे कि आपको इतनी जगह दिखाया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो आप वहाँ जाकर देख लो। फिर मैं उनके कहने से यहाँ पर आई सर के पास, तो सर ने फिर मुझे दवा लिख के दी, तो एक आधी मैंने खाई, मैंने फिर मैंने सोचा उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, थोड़ा क्या,
मुझे ऐसा लगा कि बहुत आराम मिल रहा है, रिलैक्स। मैं तपेली जो चाय की रखती थी ना सर, तो वो भी नहीं उठा पाती थी। मतलब यहाँ पर इतना दर्द था भयंकर, रात भर सो नहीं पाती थी। फिर वो जो रेगी सर थे, उन्होंने कहा था कि आप तो इंजेक्शन लगेंगे, तो ये होगा तो वो होगा। मैं डर गई। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से तो मेरा काम नहीं होगा, मैं दूसरी जगह दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ पे आई मैं, मेरी सहेली ने बताया था, और मुझे यहाँ पर 6 महीने ही हुए इलाज के लिए, और इतना आराम हो गया है कि मेरा 90% अर्थराइटिस सुधर गया, मतलब अच्छा हो गया है। और अब 10% रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। मैंने ज्यादा दवा ली नहीं है, 6 महीने ली है ज्यादा से ज्यादा, और 3 साल से मुझे अर्थराइटिस था सर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी भाई बहन है, तो मैं उनको भी बताऊँ कि ये होम्योपैथिक से बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब कि जो दवाई अपन वो खाते हैं उससे नुकसान होता है, ये दवाई खाएंगे तो हमारे शरीर में लाभ भी होगा और नुकसान भी नहीं होगा, और जो इलाज है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा और जड़ से खत्म हो जाएगा। सर ने कहा था कि जड़ से मिट जाएगी आपकी बीमारी, तो मेरे को विश्वास है कि जड़ से ही मिट जाएगी सर। ठीक है, मेरा नाम बताओ। मैं मिसेज मैं सारा सीमा खंबेटे इंदौर से हूँ। मुझे आर्थराइटिस की बीमारी थी 3-4 साल से, लेकिन मुझे किसी से पता चला डॉक्टर अर्पित जैन का, तो मैं यहाँ पे आई। मुझे स्टीरॉयड लेने को कहा गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर अर्पित जैन की होम्योपैथी दवाई शुरू की, तब से मुझे बहुत आराम है। और मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि बाकी लोग, इनका नाम है, बाकी लोगों को भी बताती हूँ कि इनकी दवाई लिया करो, क्योंकि होम्योपैथी दवाई बहुत अच्छी है। गठिया, गठिया रोग एक ऐसी अवस्था है जिससे दुनिया भर के करोड़ों लोग परेशान हैं। गठिया एक या उससे अधिक अथवा संयुक्त जोड़ों की सूजन को दर्शाता है। यह रोग घुटनों में दर्द और अकड़न पैदा कर देता है और आमतौर पर बुजुर्ग वर्ग में पाया जाता है, लेकिन आज के दौर में बदलती जीवन शैली की वजह से यह रोग युवाओं में भी देखा जा रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर यह शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है, खासतौर से वे जिनका वजन ज्यादा हो। इसकी शुरुआत शरीर के किसी भी जोड़ से हो सकती है और समय के साथ साथ यह शरीर के बाकी जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। नमस्ते, मैं आशीष बारोड़, निवासी भोरासा, जिला देवास। मम्मी को लगभग 6 वर्षों से RA फैक्टर बढ़ा हुआ था, उसके बाद हमने काफी ट्रीटमेंट करवाया, अलग अलग डॉक्टरों से, एलोपैथी के डॉक्टरों से मिले, लेकिन उनका कहना था जब तक ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको मेंटेन कर सकते हैं, RA फैक्टर को नील या माइनस नहीं कर सकते। लेकिन सर के होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ना सिर्फ रिलीफ मिला है, बल्कि RA फैक्टर भी 24 के लगभग आ चुका है, और मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। एवं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल विश्वास के साथ मॉडर्न होम्योपैथी से हम ट्रीटमेंट करवा सकते। तो देखा आपने कि किस तरह से विभिन्न प्रकार की रूमेटोलॉजिक बीमारियों पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी परहेज के कम समय और कम लागत में बेहतरीन परिणाम दिए हैं, और लाइलाज समझे जाने वाली इन बीमारियों को पूरी तरह जड़ से समाप्त कर ऐसे रोगियों को पुनः सामान्य एवं स्वस्थ जीवन दिया है। तो आप भी अपनी किसी रूमेटोलॉजिक बीमारी के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और गंभीर बीमारी होने से पहले ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का मानना है कि बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में ही यदि सही उपचार कर दिया जाए तो जीवन भर दवाइयों के साथ चलने वाली ऐसी बीमारियों से पूरी तरह मुक्ति पाई जा सकती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।